Yeah, good evening. We have one question of AP from RD as doubt which we are discussing here. Question is n plus 1th term is twice of n plus 1th term. We have to show that 3m plus 1th term is twice m plus 1 plus nth term. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है. आप सभी को अभी NCERT पढ़ी, आपने बेसिक फॉर्मूला तो पता ही nth टर्म का, a plus n minus 1 into d. तो a m plus 1 हो जाएगा, a plus n को रिप्लेस कर देंगे m plus 1 से, राइट? a plus m plus 1 minus 1 into d. ऐसे ही a m plus 1 हो जाएगा, a plus n plus 1 minus 1 into d. यहाँ पर n की जगह n plus 1 लिख दीजिए, ठीक है? अभी से हम सॉल्व करेंगे, हम 1 से 1 कैंसिल, और इधर भी 1 से 1 कैंसिल. वी आर लेफ्ट विद a plus m d is equal to twice of a plus 2 bracket 2nd, right? Twice of nd. 2nd, simple as that. ठीक है, ये बच गया क्योंकि 1 से 1 already कट गया था. अब क्या करो, a वाली टर्म एक तरफ और d वाली टर्म को एक तरफ ले आ. ये हो जाएगा 2a minus a, a left में जाके 2a minus a हो गया है यहाँ पर. और ये जो 2nd है, ये भी आपका left में आ गया है, वो right में गया था, a तो subtract हो गया, right? तो यहाँ से common ले लीजिए d, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, या आप कह सकते हैं a और d में एक रिलेशन आ गया, that a is equal to m minus 2n into में d. अब आपको वो शो करना है कि 3m plus 1th टर्म जो है, ये twice of m plus n plus 1th टर्म है, ये हमें शो करना है. तो शो करना है तो देखते हैं, m plus 1th टर्म की जगह आप लिख सकते हैं a plus 3m plus 1 minus 1 into d, मतलब n की जगह इस बार 3m plus 1 लिख दिया. ऐसे ही यहां पर n की जगह पर आप लिख देंगे m plus n minus plus 1 फिर minus 1 into d. n को गरिमा हम इक्वेट करते रहते हैं बेसिकली, ठीक है? यहां 1 से 1 कट गया और यहां भी 1 से 1 कट गया. वी आर लेफ्ट विद a plus 3 m d is equal to twice of a plus 2 bracket m plus n into d. अब इसे नंबर 2 दे दीजिए बेटा. अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इक्वेट करना है इक्वेशन 1 और 2 को. अगर LHS RHS बराबर आ जाती तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है. तो इक्वेट करने में करना क्या है, जहां जहां a है वहां पर आप m minus 2n into d पुट कर देंगे, यहां twice of a है और a की जगह आ जाएगा m minus 2n into d, ये है 2 bracket m plus n into d as it is. अब इसमें से बेटा d common ले लो LHS से, ये बच गया m minus 2n plus 3n. लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं, m 3m plus m ये 4m minus 2n. लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व होके आ गई d ब्रैकेट में 4m minus 2n. राइट साइड से भी d कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2m minus 4n, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n plus 2n हो जाएगा, ये 2n लिखा बेटा मैंने है. तो यहां से d as it is 2m plus 2m 4m और 2n minus 4n is 2n. ध्यान से देखिए LHS RHS हमारी बराबर आ गई. तो बराबर आ गई इसका मतलब ये चीज हमें प्रूव करनी थी, तो ये हमने कर दी कि m 3m plus 1 term जो है twice of m plus n plus 1 term. थैंक यू.